मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 गठबंधन की राजनीति। इसे आप कह सकते हैं गठबंधन सरकार या साझा सरकार। गठबंधन या साझा सरकार। जब चुनाव के बाद किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाए तो ये कहलाती है गठबंधन सरकार या साझा सरकार। चौथे आम चुनाव के बाद 1967 में भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। यद्यपि गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं, बावजूद इसके वो न्यूनतम साझा कार्यक्रमों के आधार पर सरकार का संचालन करते हैं। इस तरह के गठबंधन बनाने का जो उद्देश्य है वो होता है सरकार बनाना या किसी दल को सरकार में आने से रोकना। हमारी जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है इसमें तीन प्रकार के गठबंधन बने हैं। एक तो है राजग, एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें शामिल हैं बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और साथी दल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है इसका सबसे बड़ा और प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी है, साथ ही साथ इसमें बीजेपी के कुछ साथी दल भी शामिल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है जेडीयू, बिहार में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, शिवसेना, अकाली दल और अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं। हालांकि अभी कृषि विधेयक पर अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। इससे पहले महाराष्ट्र में सरकार निर्माण को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध पैदा हुआ, इसकी वजह से शिवसेना भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो गई है। दूसरा जो प्रमुख गठबंधन है बड़ा वह है संप्रग, इसे आप कह सकते हैं यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें शामिल है कांग्रेस प्लस साथी दल, कांग्रेस और उसके मित्र दल। यूपीए गठबंधन यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सबसे बड़ा और प्रमुख दल कांग्रेस है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तीसरा है वामपंथी गठबंधन। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा वाले दल जैसे भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इस तरह के कुछ वामपंथी विचारधारा वाले दल शामिल होते हैं।
इसके अलावा हमारे यहां जो दलीय व्यवस्था है इसमें और भी दल मौजूद हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जैसे दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस, उड़ीसा में है बीजू जनता दल। ये राजनीतिक दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये अपनी सुविधा अनुसार ये दल जो है वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं सरकार बनाते समय और उनसे अलग भी हो जाते हैं। ये भारतीय राजनीति में तीन धाराएं जो है गठबंधन की हैं। अब आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का उदय। भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ? देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1951 का, पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 में। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद 57 में दूसरे चुनाव हुए थे, 62 में तीसरे आम चुनाव हुए थे। पहले दूसरे और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। पंडित नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे, केंद्रीय स्तर पर 350 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी लोकसभा की, और भारत के ज्यादातर प्रांतों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी। केरल या जम्मू कश्मीर को एक दो प्रांतों को छोड़ दें तो उन प्रांतों को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, सड़सठ के चौथे आम चुनाव में केंद्रीय स्तर पर जैसे तैसे कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन गई, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन कई प्रांतों में कांग्रेस की हार हुई और उन प्रांतों में गठबंधन सरकारें बनी। कांग्रेस के विरोधी दलों ने मिलकर सरकारें इन प्रांतों में बनाई। तो भारतीय राजनीति में पहली बार 1967 में प्रांतों में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। जहां तक केंद्र की बात है, 1977 के चुनाव में आपातकाल के ठीक बाद ये चुनाव हुए थे। इन चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में, और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये सरकार थी जनता पार्टी, इसमें जनता पार्टी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया था और ये गठबंधन सरकार बनी थी। इसके बाद 1980 से 1989 तक केंद्रीय राजनीति में पुनः कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। ये राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन का नाम, वीपी सिंह
ने जनता कांग्रेस से अलग होकर जनता दल का गठन किया था, तो जनता दल की सरकार बनी थी, जनता दल के नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इन्हें वामपंथी पार्टियों का और भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। बाहर से का मतलब भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी जो पार्टियां थी वो सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया बाहर से, जिससे वीपी सिंह सरकार बना सके। ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ये गठबंधन सरकार का केंद्र में उदाहरण थे। इसके बाद जो भी केंद्र में चुनाव हुए 1989 से लेकर आज तक, जो भी सरकारें बनी वो गठबंधन सरकार का ही उदाहरण है। 2014 में और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। यद्यपि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 के आसपास सीटें प्राप्त थी, जो स्पष्ट बहुमत से ज्यादा है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें प्राप्त थी, जो कि स्पष्ट बहुमत 272 से काफी ज्यादा है। इसके बावजूद ये सरकारें गठबंधन सरकार की थी, क्योंकि इस सरकार में बीजेपी के मित्र दल जैसे अकाली दल, शिवसेना जैसी पार्टियां इसमें शामिल रही हैं। एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि गठबंधन की राजनीति अभी जो है वर्तमान में भारतीय राजनीति का एक स्थायी तत्व बन गई है। विभिन्न दल, मित्र दल मिलकर सरकार का संचालन करते हैं। ये आपके गठबंधन सरकार का उदय और गठबंधन सरकार के बारे में आपकी जानकारी थी। हम अगली क्लास में हम गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।